और इसी गली की हैं खाक से, इसी गली की हैं खाक से, यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम लाते हैं यहाँ पर हर रोज़ एक नई वीडियो आपके लिए, जिस पर हम रिएक्ट करते हैं। और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जिस पर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। और बात करेंगे आज हम जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट जो सदर रहे, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब। और दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। जमहूरियत के इस ताज महल में मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पार्टी और उसके लीडर चौधरी अजीत सिंह जी का, उन्होंने मुझे इस हाउस में भेजा। आहलूवालिया साहब कह रहे थे तो मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान और उस तंजीम, उस ऑर्गेनाइजेशन से है जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए तवील जद्दोजहद की, क़ुरबानियाँ दीं। ख़ुद मेरे दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दसों साल जेलों में रहे, और जब मुल्क आज़ादी के करीब आया, मुल्क की आज़ादी का वक्त आया, तो हम आज सीने को चौड़ा करके इस बात को कहते हैं हमारी जमात ने, हमारे असलाफ ने, बुज़ुर्गों ने मज़हब के नाम पर मुल्क की तकसीम की मुखालिफत की, और सब लोगों के मान लेने के बावजूद भी उन्होंने आखिर वक्त तक उस तकसीम को तस्लीम नहीं किया। हमें इस बात पर फ़ख्र है, गर्व है। कि हमने ऑप्शन होने के बावजूद, हमारे पास ऑप्शन था कहीं और चले जाने का, हमने उस ऑप्शन को मंजूर नहीं किया। और इसी गली की हैं खाक से, इसी गली की हैं खाक से, यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। मौका है तो कुछ बात अर्ज कर दूं। जिस कौम से मैं बिलोंग करता हूं वो हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, दूसरी बड़ी अक्सरियत। और हमें तो फख्र है अपनी तारीख पर, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 60 सालों में आज़ादी के उन हीरोओं ने, वो हीरो जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए, कुर्बानियां दी, और एक सही दिशा देने की कोशिश की, देश को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, जो मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत के नाम पर काम करने की कोशिश की, बदकिस्मती से उन हीरो लोगों को जिनसे आज की नौजवान पीढ़ी को सबक मिल सकता था, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, तारीख से भी उखाड़ के फेंक दिया गया नोच कर। आज का मैंने पहले भी इस बात को कहा है, आज फिर कह रहा हूं, मुल्क इस बात को महसूस करता है कि दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है, टेररिज्म, आतंकवाद, ये पैदा कैसे होता है,
चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। किसी कौम को अगर गलत रास्ते पर डालना है तो पहले उसे मायूस करना होगा, उसके बाद उसको भड़काना होगा। आज हिंदुस्तान का मुसलमान इस चैलेंज से गुजर रहा है। दोस्तों बहुत ही कीमती अल्फाज हैं। उसको मायूस करने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको भड़काने की, इंसाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो दो तरफा वार झेल रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। इस मुल्क को, हमारे देश को इकट्ठे होकर के सोचना होगा, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, कि कैसे वो नौजवान जिसके दिल में ये जज्बा है कि लहू देंगे तो लेंगे प्यार मोती हम नहीं लेंगे, लहू देंगे तो लेंगे प्यार मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे। मोहतरम हजरात, मैं इस हाउस का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन ये बात पूरे एतमाद के साथ कह देना चाहता हूं। अपने बुजुर्गों की इस विरासत की हिफाजत की हमने अपनी जमात जमीयत उलमाए हिंद की उस तारीख की भी हिफाजत की, और पिछले 4 सालों से टेररिज्म आतंकवाद के खिलाफ जिस ताकत के साथ हमने लड़ाई लड़ी है, वो आज चाहे महसूस न की जाए, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात को लिखा जाएगा कि कौन लोग थे जो खड़े हुए थे बेसर व सामानी के आलम में और आज़ादी की लड़ाई की तरह से इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस हाउस का मेंबर रहते हुए हमें यह फख्र है, ये गर्व है, हमने इस लड़ाई को लड़ा। मुझे याद आता है वो वक्त, उसको याद दिलाना मैं अपनी कारनामा नहीं समझता हूं, बल्कि बुजुर्गों की विरासत की हिफाजत समझता हूं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में परवेज मुशर्रफ साहब आए थे और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें करी थी। उन बातों के साथ उन्होंने एक खास तौर से एक चीज को मेंशन किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं उस गैदरिंग में मौजूद था, बहसियत स्पीकर के मुझ में था, लेकिन उस दिन उस सेशन में नहीं था, आराम से पीछे बैठा था, सोचता था सुनूंगा बात। मैंने वहां उनको एक बात कही थी, कई बातें कही थी, लेकिन एक बात खास तौर से मेंशन करना चाहता हूं, और वो वहां सिर्फ कही नहीं थी, वो मेरा यकीन है। मुझसे मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप लोग टेररिज्म को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं यह तो नहीं है कि प्रेशर हटाने की टेक्टिक हो, क्या आपका यकीन है इस पर? तो मैं वही बताना चाहता हूं कि मैंने मुशर्रफ साहब से यह बात कही थी कि मुशर्रफ साहब, आप एक कई बातें थी उसको मेंशन नहीं करूंगा यहां, लेकिन एक बात खास तौर से जिसको यहां मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कि मैंने उनसे कहा था कि आप जो हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र और चिंता छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की ये सिविल सोसाइटी पूरी ताकत से मुसलमानों के साथ खड़ी है, और उसके साथ ये सिविल सोसाइटी इंडिया की नाइंसाफी होने नहीं देगी। मैं अपने दाएं हाथ के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान में ऑप्शन होने के बावजूद हिंदुस्तान में रहे हैं, हमें पॉलिटिकल रीजंस से नहीं बल्कि दिल खोलकर हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए और उनको हल कीजिए। हमारे जवानों को मायूस ना होने दीजिए और उनको इस फख्र के साथ जोड़ दीजिए जो फख्र मेरे अंदर है। मैं कहा करता हूं इस बात को हर जगह हर मौके पर कि मैं जब किसी दुनिया के किसी मुल्क से हिंदुस्तान वापस आता हूं तो मुझे वहां के फूलों की मैं वो खुशबू नहीं मिलती जो इस भारत देश की मट्टी में मुझे नसीब होती है। यहां की मट्टी में जो खुशबू, तो यही एहसास सारे हिंदुस्तानियों के दिल में हो और इस एहसास से दूर ना होने दिया जाए,
उन्हें करीब किया जाए, तारीख में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको वापस लाया जाए, उनको जिंदा किया जाए, ताकि नौजवान देखे कि हाँ हमारे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, तो उसके अंदर भी कुर्बानी देने का जज्बा हो, न कि लूट के खा लेने का जज्बा हो। ये एक कॉमन बात है। मैं सब हाउस के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे सुना और बर्दाश्त किया। बहुत बड़ी बात है बर्दाश्त कर लेना भी। मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था तो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, अपनी माँ से कह रहा था, माहौल अभी बदल गया है, वैसा नहीं रहा लेकिन ये 4 साल पुरानी बात है, कह रहा था अपनी माँ से, देखो देखो, कभी कभी पगड़ी भी बांध लेता हूँ मैं, सर्दी वर्दी होती है, तो देखो देखो बिन लादिन जा रहा है। अभी माहौल तब्दील हुआ है, आगे और तब्दील होगा, हम इस यकीन के साथ कि हमारी अगली जनरेशन्स जब आएंगी तो वो इस मुल्क के साथ में, हमारे इस देश में इंसाफ मिलेगा, उनको मिल चुका होगा पूरी तरह से, क्योंकि नौजवान लोग आ रहे हैं और नौजवानों से इस देश को, हम सब लोगों को उम्मीदें हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, ख़ास तौर से इस बात के लिए कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई उसमें इनकी सरपरस्ती हासिल रही हमें, और भी सब लोग जो अप्रिशिएट करते रहे वक्तन फ़वक्तन, उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। मौलाना असद मदनी साहब मेरे वालिद थे और प्राइम मिनिस्टर साहब का उनके साथ एक रिश्ता था, उस रिश्ते की वजह से इन्होंने भी हमेशा मुझे मोहब्बत दी, उस मोहब्बत के लिए मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करूँगा। और चेयरमैन साहब आपका भी ख़ास तौर से, आप भी मेरे वालिद के साथ कुछ देखा है आपने उनको कुछ काम करते हुए, उस वजह से मुझसे ख़ास मोहब्बत का मामला आपका है, और मैं यकीन रखता हूँ कि आप हजरात की सब लोगों की सरपरस्ती मुझे आगे भी हासिल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, और कितनी ही कीमती बात इन्होंने बोली और इनको मौका दिया गया संसद में, सदन में बोलने का, अपनी बात को रखने का। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, किसी कौम को पहले मायूस करना होता है, फिर उसको उकसाना होता है, भड़काना होता है। दोस्तों आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि माहौल कैसा चल रहा है आपका, ऐसा तो नहीं जैसा आपको बताया गया अभी। तो दोस्तों आप अपने माहौल को सही बनाए रखें, अच्छा माहौल बना के रखें अपने आसपास, और दोस्तों आप बने रहें हमारे चैनल पे, इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ से सीखी होंगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों आपका रिएक्शन क्या रहा इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहें आप इसी तरह, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे जिससे आपकी नॉलेज यहाँ पे अपडेट होती रहे बराबर। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल।